नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। हाईवे पर शराबबंदी के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कई राज्यों के मुखिया पलीता लगाने में जुटे हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी बढ़ चढ़कर शराबबंदी की तारीफ कर चुके हैं, लेकिन राजस्व के चक्कर में दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तरह बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्री भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चोर रास्ता तलाशने में जुटे हैं। आखिर क्या है ये चोर रास्ता, देखिए इसी पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट, कैसे होगी शराबबंदी। हाईवे को शराब मुक्त करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कतोड़ निकालने में सरकार जुट गई है। हाईवे के करीब शराब की बिक्री पर पाबंदी के बाद होटल और शराब कारोबारी ने बीच का रास्ता निकालने की मांग को लेकर पर्यटन मंत्री महेश शर्मा से मुलाकात की। पर्यटन मंत्री बीच का रास्ता निकालने का भरोसा दे रहे हैं। आखिर पीएम मोदी के शराबबंदी के सपने को उनके ही मंत्री कैसे पूरा करेंगे? आखिर महेश शर्मा क्यों हाईवे पर शराब बेचने वालों के लिए इतनी पैरवी कर रहे हैं, बड़ा सवाल है। एक अप्रैल से केंद्र और राज्यों के हाईवे के 500 मीटर के दायरे में शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लग गया है। शराब व्यापारियों के साथ साथ होटल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट और मैरिज हॉल के कारोबारियों में भी खलबली मच गई। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश 1 अप्रैल से लागू हो गया है। इस आदेश के मुताबिक राष्ट्रीय और राज्य हाईवे के अगल बगल 500 मीटर के दायरे में शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध है। यहां तक कि इस दायरे में 5 सितारा होटलों, रेस्टोरेंट और मैरिज हॉल में भी शराब और बियर नहीं परोसी जा सकती। No, we have said in the court on behalf of some states that this liquor ban order on all state highways and saying 500 meters you should go away from the state highway is too harsh an order, because in small towns state highway runs through the main part of the town. So to go 500 meters means that you virtually go away from the town. Maybe you go into a residential part of town. That is not appropriate. That 500 meters for state highway ought to be relaxed and some more time should be given. होटल व्यवसायियों ने इस बारे में केंद्रीय पर्यटन मंत्री महेश शर्मा से मुलाकात की और कहा कि सरकार ने हाईवे किनारे जो जमीन ज्यादा कीमत पर दी उस पर करोड़ों का इन्वेस्टमेंट कर दिया गया और अब वो कहां जाएं? मुश्किल उन राज्यों को भी है जहां हाईवे शहरों के बीचों बीच से होकर जाता है। ऐसे में शहरों के भीतर शराबबंदी जैसी स्थिति लागू हो गई है। खास तौर से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी इलाकों में इतनी जमीन ही नहीं है कि राज्य मार्गों से 500 मीटर भीतर इन दुकानों को शिफ्ट किया जा सके। यही कारण है कि कुछ राज्यों ने हाईवे को डिनोटिफाई करना शुरू कर दिया है ताकि भारी राजस्व के नुकसान से बचा जा सके। हाईवे पर शराबबंदी के खिलाफ चल रहे आंदोलन के बीच केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने कहा है कि बीच का रास्ता निकालने की कोशिश चल रही है, राज्यों के साथ मिलकर इसका समाधान किया जाएगा। साथ ही कानूनी राय लेने की भी बात उन्होंने कही है। देखिए, वैसे तो हम माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों की पालना करेंगे और उनकी भावनाओं का हम सम्मान करते हैं और हमारी सरकार भी इस विषय पर आपस में चिंतन कर एक जिस तरह से पर्यटन उद्योग को भी दिक्कत ना पहुंचे, इनके बीच में क्या कोई समाधान ऐसा हो सकता है जो बीच का रास्ता निकालकर अगर संभव है तो उस पर हम काम करेंगे, लेकिन अपने हमारे जो कानूनी विशेषज्ञ हैं उनसे राय लेंगे। इसी बीच तमाम राज्य सरकारों ने अदालती आदेश की काट ढूंढना शुरू कर दिया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ के बाद अब महाराष्ट्र भी शहरों के भीतर हाईवे डिनोटिफाई कर सकते हैं। हाईवे के करीब शराब की दुकानें चालू रखने के लिए राज्य सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है। महाराष्ट्र में जलगांव और यवतमाल की नगर पालिकाओं ने पहले ही शहर में हाईवे को डिनोटिफाई भी कर दिया है। इस फैसले के बाद इन दोनों शहरों में हाईवे का रखरखाव नगर पालिकाएं करेंगी। हाईवे पर शराब बैन के खिलाफ भले ही होटल और रेस्टोरेंट वाले प्रदर्शन कर रहे हों, लेकिन आम लोग देश के कई राज्यों में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ हैं। वो सड़क पर उतर कर शराबबंदी का समर्थन कर रहे हैं। हम लोग बोलते हैं तो गाड़ी कुत्ता झाड़ू पोछा, अपने बच्चों का कहाँ झाड़ू। आज
यहाँ पर रामलीला टीले पर एक ठेका खुला था, जिसमें काफी लोगों ने, महिलाओं ने इकट्ठा होकर उसे बंद कराया। प्रशासन ने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया तो यहाँ क्षेत्रवासी उग्र से उग्र उतरकर क्या उनकी दुकानों में तोड़फोड़ भी कर सकते हैं और भी उग्र से उग्र एक्शन ले सकते हैं। हाईवे से हटाकर जो शराब की दुकानें जहां खोली जा रही हैं, स्थानीय लोगों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब सवाल ये उठता है कि जब जनता ही नहीं चाहती कि शराब की दुकानें खुले, तो फिर सरकार शराब खानों के खुले रहने पर जोर क्यों दे रही है। आकांक्षा सिंह, APN न्यूज। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में राम राज्य लागू करने की बात करते हैं, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जिसे सुनकर शायद आप भी यही कहेंगे, योगी जी आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी। योगी जी हाईवे पर शराबबंदी रोकने के लिए चोर रास्ता अपना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राजमार्गों पर पड़ने वाली शराब की दुकानों को बचाने के लिए सरकार ने सरकारी रिकॉर्ड में हाईवे और बाईपास का नाम ही बदल दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद यूपी के हाईवे पर करीब 8,000 दुकानें बंद हो गई हैं, अब ये फिर खुल जाएंगी। यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी के काम करने के तौर तरीकों से कुछ लोगों को आपत्ति हो सकती है, लेकिन उनकी नीयत पर उनके विरोधी भी बच बचाकर ही उंगली उठाते हैं। लेकिन केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की तरह योगी भी सड़क किनारे शराब बेचने के उपाय तलाशने में जुटे हैं। हालांकि ममता बनर्जी, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे सिंधिया और देवेंद्र फडणवीस ने भी ये काम किया है। दरअसल इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद चोर रास्ता निकालने का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट के धारदार आदेश को भौथरा बनाने के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल की सरकार जुट चुकी है। सरकार ने निकाला चोर रास्ता, मतलब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद उन रास्तों पर आराम से शराब मिलेगी जिनको राज्य सरकारों ने स्टेट हाईवे की श्रेणी से हटा दिया है। खास बात है कि ऐसी ज्यादातर शराब की दुकानें रिहायशी इलाकों में हैं और वहां पर महिलाओं ने शराब की दुकानों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ये अभियान चला रही है, ये महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है और इससे महिलाओं की काफी सुरक्षित महसूस करेंगी वो अपने आप को और लड़कियों के लिए भी ये काफी अच्छा है। रात में निकलना ही मुश्किल था हमारा, मतलब काउंटिंग करना, कुछ भी करना, बदतमीजी करना, इस तरह के होते ही थे तो रात में हम लोग सेफ से नहीं निकल सकते थे। हालांकि इससे भी एंटी रोमियो जो चलाया इससे भी बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। शराब बंद होगी तो अच्छा ही है, लोगों के घर बर्बाद नहीं होंगे। जो प्रदेश सरकार ने शुरू किया है एंटी चीयर्स अभियान, उसमें महिलाएं अपने आप को सुरक्षित समझेंगी क्योंकि रात भी रात में निकलना, लोग बाग रात को अपने काम से लौटते हैं, गाड़ी खड़ी करके खड़े हो जाते हैं, रास्ते में लेते हैं, पीते हैं, उसे उसके बाद उन्हें पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहे हैं, तो उसमें महिलाओं के लिए बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया है रात। सबसे बड़ा रीज़न घर से बाहर निकलने का जो नहीं है लड़कियों का, वो कहीं हद तक ये भी है कि उन पर टॉन्टिंग होती है, कमेंटिंग होती है और शराब पीकर जैसे कि सब जानते हैं लोग बहक जाते हैं, तो जितने भी गलत काम होते हैं मेरे हिसाब से वो शराब पीने के बाद होते हैं और आप उन्हें कितने समझाने की कोशिश कीजिए शायद वो समझ भी ना पाए। तो अगर हमारी देश सरकार इसके खिलाफ कोई मुहिम चलाती है तो मैं पूरे समर्थन में हूँ और सच में बहुत सेफ महसूस करती हूँ। शराब के खिलाफ आम आदमी का ये गुस्सा राज्य सरकारों की चालबाजी के आगे दम तोड़ देगा, क्योंकि खुद राज्य सरकारें कानून में फेरबदल कर इन दुकानों को बचाने में जुटी हुई हैं। योगी आदित्यनाथ जिस तरह के शासन व्यवस्था का ख्वाब यूपी के लोगों को दिखा रहे हैं, उसमें शराब के लिए चोर रास्ते की जगह तो कतई नहीं दिखी होगी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शराबबंदी के हक में है, इस मुद्दे पर वो मंच से बिहार के सीएम नीतीश कुमार की तारीफ कर चुके हैं। एक बात के लिए अभिनंदन करता हूं, समाज परिवर्तन का काम बड़ा कठिन होता है, बहुत मुश्किल काम होता है, उसको हाथ लगाने की हिम्मत करना भी बड़ा मुश्किल काम होता है। नशा मुक्ति का जिस प्रकार से उन्होंने अभियान चलाया है, आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए उन्होंने जो बीड़ा उठाया है, मैं उनकी बहुत बहुत। उधर बीजेपी शासित प्रदेशों राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बारे में भी खबर है कि वो अपने राज्य के कई शहरों के स्टेट हाईवे को डीनोटिफाई करने की तैयारी कर रहे हैं।
ममता सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जनवरी में दो महत्वपूर्ण स्टेट हाईवे को डीनोटिफाई कर दिया था और अब सूत्रों के मुताबिक ममता सरकार राज्य के दूसरे कई जिलों के बाईपास को स्टेट हाईवे का दर्जा देने की तैयारी कर रही है ताकि वहां की शराब की दुकानों में तालाबंदी ना हो। ममता बनर्जी का यह फैसला उनके माँ माटी और मानुष किनारे को खोखला साबित करता है। हर घंटे 14 की मौत। गौरतलब है कि देश के लाइफलाइन यानी सड़कों पर मौत हर घंटे 14 लोगों को अपनी आगोश में इस कदर लेती है वो जिंदगी के मायने भूल जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल 130,000 लोग सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवाते हैं और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक सड़क दुर्घटना की सबसे बड़ी वजह नशा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। इसी चीज को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिसंबर 2016 को आदेश दिया था कि नेशनल और स्टेट हाईवे के दोनों तरफ 500 मीटर के दायरे में शराब की बिक्री नहीं होगी। इसी मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में किसी तरह की छूट देने से मना कर दिया। शराब के खिलाफ आम आदमी के इस गुस्से को सुप्रीम कोर्ट ने जुबा दी है लेकिन आम आदमी की भलाई का दम भरने का दावा करने वाली कुछ सरकारें इस मामले में दाव पेच खेलकर आम आदमी की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही हैं। शराब इसलिए बंद होनी चाहिए, एक तो ये हेल्थ के लिए बहुत खराब है और दूसरा कि जैसे कि पैसे ज़्यादा वेस्ट होते हैं घरों में, जैसे मिडिल क्लास के लोग हैं कि शराब पीने से घर में प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं और शरीर को भी नुकसान देती हैं, पारिवारिक जो झगड़े बढ़ते हैं और ये मतलब बंदी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो शराब पीकर ये पड़े रहते हैं। खैर लोग कुछ भी कहें, सरकार शराब बेचती रहेगी ताकि शराब से मिलने वाले उनके राजस्व में कोई कमी ना आए। जहां ये सोचने वाली बात है कि इनके लिए कमाई ज्यादा जरूरी है या फिर आम आदमी की जान। आकांक्षा सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल और स्टेट हाईवे के 500 मीटर की रेंज में शराब नहीं बेचने का आदेश दिया है। इसके बाद माना जा रहा है कि राज्यों का रेवेन्यू 50,000 करोड़ रुपए कम हो जाएगा, साथ ही टूरिज्म इंडस्ट्री को 10 से 15,000 करोड़ रुपए का बड़ा झटका लग सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से 10 लाख लोगों का रोजगार छिनने की आशंका जन्म ले गई है लेकिन सड़क दुर्घटनाओं में जितने लोग मारे जाते हैं उनमें ज्यादातर नशे की वजह से अपनी जान खो देते हैं, इसलिए आज इन दोनों पहलुओं पर विचार करना बेहद जरूरी हो जाता है। पैसे की ज्यादा जरूरत है या जीवन की? घनी आबादी के बीच शराब की दुकानों को लेकर आम आदमी का आक्रोश लगातार सामने आ रहा है। बदायूं शहर में शराब की 3 दुकानों को मोहल्ले की महिलाओं ने बंद करा दिया। दुनिया में सबसे ज्यादा मौत भारत में। शराब पीने की वजह से होने वाले सड़क हादसों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया था। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि इससे ऐसे हादसों में कमी आएगी। दरअसल भारत में सड़क हादसों में सबसे अधिक जान जाती है। 50,000 करोड़ का नुकसान। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का दावा है कि इस फैसले से राज्यों को 50,000 करोड़ रुपए का बड़ा रेवेन्यू लॉस हो सकता है। हालांकि ये शुरुआती अनुमान है और हम इसके असर का सटीक अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। NRAI एक लॉबी ग्रुप है जो देश भर के रेस्टोरेंट और पब्स का संगठन है। 10 लाख लोगों का रोजगार खतरे में। नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने ट्वीट किया कि टूरिज्म से रोजगार के मौके बनते हैं, ऐसे खत्म क्यों करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के हाईवे पर शराबबंदी के फैसले से 10 लाख लोगों का रोजगार खतरे में पड़ सकता है। इंडस्ट्रीज के आंकड़ों पर एक नजर। 2016-17 के पहले 9 महीनों में भारत में शराब की बिक्री 0.4% बढ़ी। 2001 के बाद देश में शराब की बिक्री तेजी से बढ़ रही थी, पहली बार ग्रोथ इतनी कम हुई है। 2001 से 2011 तक के 10 साल में इसकी बिक्री में 12% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई थी।
हजारों की मौत, 2.5 लाख जख्मी। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 की सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों को विश्लेषित किया था। राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुल 1,24,000 दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 46,110 मौतें हो गई और 1,35,000 लोग घायल हो गए। वहीं स्टेट हाईवे पर 1,13,000 दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 1,24,000 लोग घायल हुए और 39,352 लोग मारे गए। एक्सप्रेसवे पर दुर्घटना के 4,208 मामले हुए, जिनमें 4,229 लोग घायल हुए और 1,802 लोग मारे गए। इस तरह 2014 में कुल मिलाकर 2,41,000 दुर्घटनाओं में 87,264 मौतें और 2,63,000 घायल हुए। नशे में वाहन चलाने के दौरान हुई दुर्घटनाओं के मामले 7,307 थे, जिनके कारण 7,398 लोग घायल हुए और 2,591 लोग मारे गए। 65,000 दुकानों पर पड़ेगा असर। देश भर में 65,000 से ज्यादा लाइसेंस शुदा ब्रांडेड शराब आउटलेट्स में लगभग 1/3 को शिफ्ट करना होगा या उन पर ताला लगाया जाएगा। देश की तीसरी सबसे बड़ी डिस्टिलरी एलॉयड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स के वाइस चेयरमैन दीपक राय ने कहा, कंज्यूमर और कारोबारी दोनों के हिसाब से हालात सामान्य होने में कम से कम 6 से 8 हफ्ते लग सकते हैं। ये बैन ऐसे वक्त के बीच लगा है जब शराब कंपनियां बढ़ते दाम, बिहार में शराबबंदी, डिमोनेटाइजेशन के असर और अनिश्चितता भरे आर्थिक हालात के चलते पहले से ही सुस्त सेल्स ग्रोथ से जूझ रही हैं। हाईवे के किनारे खुली दुकानों में शराब की सेल पर सुप्रीम कोर्ट के रोक लगा देने और देश भर में GST लागू होने की दिशा में हो रही तेजी से इसकी सेल अब जून तक प्रभावित रहेगी। अमित यादव, APN। पिछले कुछ सालों में शराबबंदी करने वाला कामयाब राज्य बिहार बना। राज्य की जनता इसका कितना समर्थन करती है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसी साल फरवरी महीने में इसके समर्थन में पूरा बिहार उमड़ पड़ा था। ये तस्वीरें इसी साल जनवरी महीने की है, जब एक मानव श्रृंखला कार्यक्रम में 45 मिनट और 2 करोड़ लोगों की मौजूदगी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। तब बिहार में जारी पूर्ण शराबबंदी के समर्थन के लिए अब तक की सबसे बड़ी मानव श्रृंखला बनाई गई। राज्य सरकार ने इसे रिकॉर्ड बताते हुए राज्य में 11,292 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाने का दावा किया। मानव श्रृंखला में शामिल होने के लिए पटना के गांधी मैदान में CM नीतीश कुमार के साथ RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी पहुंचे थे। मानव श्रृंखला जो बिहार में हो रहा है, गांव गांव, सड़क सड़क, सभी लोग सड़क पर हाथ में ला के खड़े हैं। कंप्लीट नशाबंदी हो, नशाबंदी किसी कीमत पर, फिर मैंने नशा न करे कोई, उनको अवेयरनेस, उनकी जागरूकता के लिए ये सारा चीज हो रहा था। महागठबंधन का सरकार हम लोग किया है इसकी सफलता के लिए। बिहार में शराब बंद होने का सरकार की जेब पर काफी असर पड़ा। राज्य सरकार की एक्साइज ड्यूटी से आय घटी। अगर CM नीतीश कुमार की माने तो सरकार को करीब 5,000 करोड़ रुपए सालाना एक्साइज ड्यूटी नहीं मिल रहा है। नीतीश कुमार तो अब छत्तीसगढ़ में भी शराबबंदी की मांग कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई जब इन लोगों ने कहा कि भाई हम सब लोग, बिहार में आपने जो पूर्ण शराबबंदी लागू किया है इससे बहुत आह्लादित है और छत्तीसगढ़ में भी हम चाहते हैं कि पूर्ण शराबबंदी हो। जहां के लोग इस बात को लेकर अभियान चला रहे हैं, वैसे तमाम जगहों से या कहीं कहीं लोगों ने लड़कर, जैसे महाराष्ट्र में 3 जिलों में लड़कर लागू करा दिया, इतना जबरदस्त उत्साह का वातावरण बना पूरे देश भर में। तो इसी सिलसिले में जब छत्तीसगढ़ से लोग आए तो मुझे खुशी हुई। ब्रांडेड शराब की बिक्री बिहार में काफी कम थी और बिहार ब्रांडेड शराब खपत के मामले में 20वें पायदान के नीचे था। यूनाइटेड स्पिरिट्स की कुल बिक्री का 5% हिस्सा बिहार से आता था और वहां 1 लाख की आबादी पर 5 शराब की दुकानें थी, जबकि कर्नाटक में 1 लाख पर 40 से ज्यादा शराब की दुकानें हैं। बिहार में ब्रांडेड शराब में प्रति व्यक्ति सालाना करीब 1 लीटर खपत नहीं थी। बिहार में शराबबंदी से खेतान, यूनाइटेड ब्रिवरीज और यूनाइटेड स्पिरिट्स को काफी नुकसान हुआ। सरकार को इस नुकसान की भरपाई के लिए टैक्स GDP रेशियो बढ़ाना पड़ा और कुछ खर्चे कम करने पड़े। राज्य सरकार इस घाटे को पूरा करने के लिए दूसरी चीजों पर टैक्स लगा रही है।
अगस्त महीने में वेट संशोधन बिल लाकर राज्य सरकार ने तमाम उत्पादों पर 0.5% से 1% तक वेट की दर में बढ़ोतरी कर दी। इसके बाद अब नीतीश सरकार ने पेट्रोल की वेट दर को 24.5% से बढ़ाकर 26% कर दिया। वहीं डीजल की वेट दर 18 से बढ़ाकर 19% कर दी। शराबबंदी का तात्कालिक असर, अपराध में कमी आई। हत्या के मामले में 39% कमी, डकैती में 54% कमी, संघीय अपराध में 20% की कमी, लूट के मामले में 25% की कमी, सड़क हादसे में 31% की कमी आई। धार्मिक जुलूसों के बहाने में कुछ लोग शराब पी कर दंगा करते थे, यह बहुत कम हुआ। घरेलू हिंसा कम हुई है, लेकिन एक बात तो तय है कि बिहार की जनता ने इस मुद्दे पर खुले दिल से नीतीश का समर्थन किया है। श्वेता सिंह के साथ हिमांशु, एपीएन। शराबबंदी वैसे तो बिहार में कामयाब है, लेकिन शराबबंदी की कोशिशें कई राज्यों में विफल हो चुकी हैं। क्या है शराबबंदी का इतिहास, आइए डालते हैं नजर। साल 2014 में देशी विदेशी पर्यटकों के बीच अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए मशहूर केरल पूर्ण शराबबंदी की राह पर चल पड़ा। केरल सरकार ने पूर्ण शराबबंदी की घोषणा कर दी थी, जिसे बार और होटल मालिकों ने चुनौती दी। लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने शराबबंदी पर केरल सरकार के फैसले को बरकरार रखा और अब वहाँ सिर्फ 5 सितारा होटल में ही शराब परोसी जाती है। चांद पर बस्ती बसाने का सपना देखने जा रहे भारत में शराबबंदी एक ऐसी कसरत है जिसे शुरू करने के बाद हर राज्य सरकार का दम फूलने लगता है। शराबबंदी के मामले में हरियाणा का नुस्खा काफी भयावह तस्वीर की याद दिलाने वाला है। जब बंसी लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, तब उन्हें 2 साल के भीतर शराबबंदी के अपने फैसले को पलटना पड़ा था। शराबबंदी का नारा महिलाओं की जरूरत से शुरू होता है और उन्हीं से इस नारे को ताकत मिलती है। लेकिन पुराने अनुभवों से ऐसा लगता है कि हड़बड़ी और बिना तैयारी के शराबबंदी के नियम को लागू करना नुकसानदेह सिद्ध होता है। हरियाणा के गांव में महिलाओं ने अपनी शिकायतें मंत्री के पास पहुंचाना शुरू कर दी थी कि उनके पति शाम होते ही सीमा से सटे पंजाब, उससे आगे राजस्थान या दूसरे राज्यों में निकल जाते हैं और फिर अक्सर अवैध शराब हाथ में होने की वजह से पुलिस की गिरफ्त में आ जाते हैं। बिहार से पहले आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मिजोरम और हरियाणा में शराबबंदी का प्रयोग नाकाम हो चुका है। आंध्र में पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने ये कहकर शराबबंदी हटा दी थी कि इसे पूरी तरह से लागू कर पाना संभव ही नहीं है। हरियाणा में शराबबंदी से हुए राजस्व के नुकसान को अगर भूल भी जाएं, तो 21 महीनों के दौरान प्रदेश में 1 लाख के करीब शराब से जुड़े मुकदमे दर्ज किए गए। 13 लाख के करीब शराब की बोतलें बरामद की गई। बरामद बोतलों की संख्या ये बताने के लिए काफी है कि हरियाणा में तस्करी के लिए कितनी बोतलें आई होंगी। वहाँ जहरीली शराब पीने की एक घटना में 60 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तब विरोध के कारण प्रदेश के मंत्रियों का गांवों में जाना मुश्किल हो गया था। ऐसा माना जाता था कि शराब की तस्करी के लिए स्कूली बसों और सरकारी वाहनों तक का दुरुपयोग हो रहा था। गांव के लोगों का दूसरा ठिकाना थाने और चौकियां बन रहे थे, जहां वे अपने लोगों को छुड़ाने के लिए पहुंचते थे। हालांकि शराब तस्करी के आधिकारिक संरक्षण के आरोप भी लगे। नतीजा ये रहा कि सरकार ने शराबबंदी के फैसले को वापस ले लिया। हरियाणा की तर्ज पर यूपी के साथ भी कई राज्यों की सीमा लगती है। इसका सबसे बड़ा फायदा सीमा पार के अपराधी तत्व ही उठाते हैं। शराबबंदी वाले राज्य में सबसे बड़ा संकट इसकी तस्करी से ही होता है, जिसे रोकना कोई आसान काम नहीं है। इसी तरह शराबबंदी के दौर में गांव के घर घर में शराब निकलने का जो सिलसिला शुरू हो जाता है, लोग इससे जल्द ही आजीज आ जाते हैं। ऐसे में जहरीली शराब कहां से बनकर लोगों के हलक में पहुंच जाती है, ये पता लगाना तक प्रशासन के लिए चुनौती बन जाता है। हालांकि एक मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की हाल की एक टिप्पणी रास्ता दिखाने वाली है। ये मामला हाईवे के किनारों पर खुले शराब के ठेकों को बंद करवाने के लिए दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया है। हाईकोर्ट के खंडपीठ ने इस पर सुनवाई करते हुए कहा, अगर पंजाब सरकार को शराब से होने वाले राजस्व की इतनी चिंता है, तो सचिवालय में शराब का ठेका खोल दे। तमिलनाडु, मिजोरम, हरियाणा, नागालैंड, मणिपुर, लक्षद्वीप, कर्नाटक में तो शराबबंदी लागू की गई, लेकिन सरकारी खजाना खाली होते देख ये पाबंदी हटा दी गई। आकांक्षा सिंह के साथ अनुराग, एपीएन। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आगे की खबरों के लिए आइए आपको लिए चलते हैं हमारे सहयोगी अक्षय के पास।